इस मॉड्यूल में हम फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कस करेंगे वो फाइलम जिसके अंदर ऑल द लाइफ इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटोजोआ इस लफ्स का क्या मतलब है प्रोटो प्रोटो का मतलब है फर्स्ट जुआ का मतलब है एनिमल यानी वो एनिमल्स जो सबसे पहले इस अर्थ पर आए ये आम तौर पर बहुत ही सिंपल एक सेल पर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम यूनिसेलुलर कहेंगे और प्रोटोजोन्स के अंदर एक ही सेल है जितनी भी एनिमल की एक्टिविटीज़ है दे आर ऑल कैरिड आउट इन द सिंगल प्लाज्मा लेयर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल्ट माइक्रोस्कोपिक एनिमल लाइक ऑर्गेनिज़म्स, जिसको आ, और इसके अंदर जो फाइलम के अंदर किंगडम है दैट इज नोन एज किंगडम प्रोटिस्टा अब हिस्टोरिकली हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटोजोन्स जो हैं दे आर वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दे आर वेरी प्रिमिटिव और मोस्टली दे आर माइक्रोस्कोपिक दे हैव एनिमल लाइक बिहेवियर दे हैव मोटेलिटी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑर्गेन्स प्रीडेशन है दे हैव नो सेल वॉल फर्स्टली इस फाइलम को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम है एंटनी वॉन लियोन हॉक इसने 1671 में प्रोटोजोन्स को डिस्कवर किया फिर वैन साइबॉल्ट 1845 इसने प्रोटोजोंस को आइडेंटिफाई किया कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म्स हैं फिर इसका डोबेल जो था इसने इनको नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स भी कहा लेकिन गुल्ड फर्स्ट ने इनका सबसे पहले नाम दिया प्रोटोजोन्स और इसकी 50,000 के करीब स्पीशीज़ जो हैं प्रोटोजोन्स की वो अभी तक आइडेंटिफाई भी हो चुकी हैं और दे हैव बिन नेम्ड आल्सो इस फाइलम के अंदर फ्री और पैरासिटिक दोनों फॉर्म के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मौजूद हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको हम कहेंगे कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपोलीटन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ये ऑर्गेनिज़म्स दे आर फाउंड एवरीवेयर प्रोटोजोन्स जो हैं फर्स्ट फॉर्मड एनिमल्स हैं माइक्रोस्कोपिक हैं और इनकी ओरिजिनेशन अगर हम अपना टाइम स्केल देखें अर्थ का उसके मुताबिक प्री कैम्ब्रियन पीरियड जो कि पीलोजोइक एरा में था उस दौर में इनकी ओरिजिनेशन हुई इनकी शेप जो है वो डिफरेंट है स्फेरिकल भी हो सकती है ओवल भी हो सकती है शेपलेस भी हैं इेगुलर भी हैं और इसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स का होगा जिसको हम कहेंगे पेलिकल और इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो है वो भी अपने आप को डिफरेंट फॉर्म्स में अरेंज करती है अब इसकी जो आउटर लेयर है पेलीकल इसकी वजह से प्रोटोजोन्स की शेप नज़र आएगी अब इस पेलीकल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्केलेटन फॉर्म्स हैं स्पीक्यूल्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ये हमें शाइनी नज़र आएंगे और इसमें जो साइटोप्लाज़्म है इसके दो रीजन है सबसे बाहर वाला जो है उसको हम कहेंगे एक्टोप्लाज्म और जो इनर है उसको हम कहेंगे एंडोप्लाज एंडोप्लाज जो है वो ग्रैनुलर है इट इज़ मोर फ्लूड एज़ कम्पेयर टू एक्टोप्लाज इसकी हैबिटेट क्या है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्री लिविंग सिम्बाउ्स कोमेंसल्स पैरासाइट्स सॉइल में भी रहेंगे वाटर में भी रहेंगे एयर पे भी रहेंगे और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज़म्स सीमिट्री इन में क्या है रेडियल भी होगी स्फेरिकल भी होगी बायोलैट्रल सीट्रिकल भी हैं एस मिट्रिकल भी हैं नॉर्मली प्रोटोजोन्स के अंदर जो न्यूक्लियस है दैट इज़ अ सिंगल वन लेकिन एक एनिमल जिसको हम आइलोफोर्स कहेंगे इनके अंदर दो न्यूक्लियस हैं दैट इज़ वाई दे आर आल्सो कॉल्ड डाई मॉर्फ इन और इसके अंदर एक न्यूक्लियस बड़ा होगा और एक न्यूक्लियस छोटा होगा जो बड़ा होगा उसको हम कहेंगे मैक्रो न्यूक्लियस ये सारे वेजिटेटिव रोल्स प्ले करता है और जो स्मॉलर है उसको हम कहेंगे माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्टिव का रोल जो है दैट इज़ प्लेड बाय दिस स्मॉलर वन लोकोमोशन लोकोमोशन के लिए प्रोटोजोआ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोजेक्शन से डेवलप होंगे सूडोपोडिया भी हो सकते हैं फ्लेजेला भी हो सकते हैं और सीलिया भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जिनके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर एबसेंट भी हो सकते हैं मोस्टली प्रोटोजोन्स जो हैं ये नेकेड हैं और इनके अंदर सिंपल एक्सोस्केलेटन या एंडोस्केलेटन मौजूद होगा न्यूट्रिशन इन में कैसी होगी मुख्तलिफ टाइप्स हैं न्यूट्रिशन की होलोजोइक भी हो सकते हैं होलोजोइक का मतलब है एनिमल लाइक होलोफिटिक भी हो सकते हैं प्लांट लाइक सेप्रोजोइक भी हो सकते हैं पैरासिटिक भी हो सकते हैं रेस्पिरेशन के लिए इनके अंदर कोई खास ऑर्गन डेवलप नहीं है बल्कि रेस्पिरेशन जो है दैट इज जनरली कैरीड आउट अक्रॉस द बॉडी सर्फेस बाय द फिना ऑफ डिफ्यूजन एक्सक्रीशन किस तरह से होगी उस परपज के लिए इसके अंदर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स मौजूद हैं और जो प्रोसेस होगा उसको हम कहेंगे ऑस्मो रेगुलेशन रिप्रोडक्शन सेक्शुअल ए सेक्शुअल ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में है बाइनरी फिशन मल्टीपल फिशन बर्डिंग और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए है कॉन्जुगेशन या बाय द फ्यूजन ऑफ गैमिट्स जिसको हम कहेंगे सिन गैमी लाइफ हिस्ट्री में दोनों जो रिप्रोडक्शन के पैटर्न हैंक्चुअल एयर सेक्चुअल ये दोनों एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करेंगे और जब एडवर्स कंडीशन हो तो ये एनिमल्स अपने गिरदेक् थी रेजिस्टेंट लेयर बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं सिस्ट और ये फिनमिना एनिमल्स में कहलाता है एनसिस्टमेंट ये एक लाइफ है विद इन अ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से आप इसके अंदर सारे बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सारे इसके सिस्टम्स फ्लजैलम न्यूक्लियस और पैलिकल ईच एंड एवरी थिंग इज़ प्रेजेंट विद इन दिस सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सारी लाइफ की एक्टिविटीज़ जो हैं दे विल आल्सो बी कैरीड आउट विद इन दिस सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन